नमस्कार, मैं वर्षा शर्मा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज। महिलाओं के सम्मान के लिए बड़ी बड़ी बात करते हुए नेताओं को तो आपने कई बार देखा होगा, उनके भाषणों को भी कई बार सुना होगा, पर क्या ये नेता इन बातों को फॉलो करते हैं? क्या वो सच में महिलाओं का सम्मान करते हैं? इसका जवाब आपको ये वीडियो देखने के बाद मिल जाएगा। चलिए बताओ, मेरे को ऑफर कैसे दिया? एक मिनट, अभी सुना आपको। कोई हक नहीं बनवा टच करेंगे। कैसे पति हंसते? हाँ, ये मोला ऑफर करते, भाभी देवर में चलते बोलते, इतना भी नहीं पता कि भाभी देवर कहाँ चलते। वीडियो में जिस व्यक्ति की आप इतनी बुरी तरीके से पिटाई हुई देख रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि बीजेपी पार्षद है। दरअसल ये मामला है छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले का, जहां बीजेपी पार्षद ने अपने दोस्त की पत्नी को एक नहीं दो दो बार अवैध संबंध बनाने का ऑफर दिया। इससे भड़की महिला ने अपने पति के पार्षद दोस्त को घर बुलाकर चप्पलों से पिटाई कर दी। पहली बार में चप्पल से पिटने के बाद भी बीजेपी पार्षद नहीं माना और 15 दिनों के बाद एक बार फिर उसी महिला को संबंध बनाने के लिए दोबारा ऑफर दे दिया। इस बात से गुस्साई महिला पार्षद के ही दुकान पर डंडा लेकर पहुंच गई, जहां बीजेपी पार्षद ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर महिला को बहुत समझाया, लेकिन महिला थी कि मानी नहीं। महिला ने लात घूसों से जमकर पार्षद की पिटाई कर दी। पूरा मामला जिले के सिमगा थाने क्षेत्र का है, जहां बीजेपी पार्षद सूर्यकांत तर्मकार ने अपने ही दोस्त की पत्नी को अवैध संबंध बनाने के लिए कहा और बोला देवर भाभी के बीच ये सब चलता है। जी हां, पीड़ित महिला ने अपने पति को उसके पार्षद दोस्त की करतूत बताते हुए पार्षद को चप्पलों से पीटा। उस वक्त पीड़ित महिला का पति अपने दोस्त को कुछ कहने के बदले अपनी ही पत्नी को रोकने की कोशिश कर रहा था। इस बात से गुस्साई महिला ने पति को बोल दिया कि हमारा रिश्ता यहीं तक खत्म है। उस पति का क्या फायदा जो अपनी पत्नी की परवाह ही ना करता हो, जो अपनी पत्नी की रक्षा ही ना कर सकता हो। इस पूरे मामले के बाद पत्नी ने पति को बोला कि अब हमारे बीच का संबंध खत्म हो गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज।